ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले दिलशान की। दिलशान दिल्ली के कॉलेज में पढ़ता है। यहाँ पर वो ज़्यादातर समय अपने चार दोस्तों के साथ ही रहता है। दिलशान के ये चारों दोस्त दिल्ली में ही रहते हैं। पांचों दोस्त कॉलेज में ज़्यादातर मस्ती किया करते हैं। दिलशान इन सब में सबसे ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उसके मॉम डैड यूनाइटेड स्टेट्स में एक बिजनेस चलाते हैं। इस बार गर्मियों में दिलशान अपने दोस्तों से कहता है कि वो घूमने जाना चाहता है। उसके तीन दोस्तों उसके साथ जाने से मना कर देते हैं, लेकिन उसका एक दोस्त इमरान साथ जाने को मान जाता है। वो हिमाचल घूम कर आने की बात करते हैं। अगले दिन सुबह दिलशान तो तैयार हो जाता है, लेकिन इमरान को थोड़ा काम पड़ जाता है। इमरान ये बता देता है कि हिमाचल बस स्टैंड पहुंचकर उसे वहां इमरान के दादा दादी मिलेंगे, वो उसे पिक कर लेंगे। बाद में वो भी शाम तक वहां आ जाएगा। दिलशान अकेला ही हिमाचल के लिए निकल पड़ता है। इमरान ने बताया होता है कि उसके दादा दादी येलो मारुति में वहां से पिक कर लेंगे। दिलशान भी दोपहर तक बस स्टैंड तक पहुंच जाता है। बाहर निकलकर उसे अपने सामने ही येलो मारुति दिखती है। दिलशान फोन करने की बजाय सीधा गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वो देखता है एक बुजुर्ग आदमी आगे की सीट पर बैठा होता है। दिलशान तब कहता है कि दादाजी इमरान शाम तक आएगा, तब तक घर चलते हैं। दादाजी गाड़ी चलाकर घर पहुंच जाते हैं। ये वीरान से इलाके में पुराना सा घर होता है। दिलशान भी सोचता है कि इमरान ने ये कहां भेज दिया। वो दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं तो इमरान की दादी बड़ी ही हैरानी के साथ दिलशान को देखने लगती है। दिलशान अपने मन में ही सोचने लगता है कि कहीं वो उसे ही तो इमरान नहीं समझ रही। तो दिलशान कहता है कि दादी जी इमरान शाम को आएगा, मैं तो उसका दोस्त दिलशान हूँ। तब दादी भी मुस्करा देती है। दादाजी दिलशान को सबसे पीछे का कमरा खोलकर दे देते हैं। दिलशान भी कमरे के अंदर जाकर इमरान को कॉल लगाता है, लेकिन यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं था। तब दिलशान बाहर आकर पूछता है कि यहाँ पर तो नेटवर्क नहीं आ रहा, बाहर जाकर देखना पड़ेगा। तब दादा और दादी एक दूसरे को घूरने लगते हैं। इसके बाद दादाजी कहते हैं कि ध्यान से जाना होगा, बाहर सुरक्षित नहीं है। दिलशान तब घर के बाहर आकर नेटवर्क ढूंढने लगता है। काफ़ी घूमने के बाद भी दिलशान को नेटवर्क नहीं मिल रहा था, तो उसने थोड़ा आगे जाकर देखने की सोची। वो उसी सड़क से आगे बढ़ रहा था जहां से वो आए थे। काफ़ी आगे जाकर दिलशान नेटवर्क में आ जाता है। तभी वो इमरान को फ़ोन लगाकर पूछता है कि उसे ये कहां भेज दिया है, यहां तो मोबाइल की रेंज भी नहीं आती, कहां घूमेंगे वो। तभी इमरान कहता है कि सही तो है, एक दो दिन यहां बाजार घूमेंगे फिर आगे चलेंगे। तब दिलशान सोचने लगता है कि यहां पर बाजार तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तभी इमरान कुछ कहता है जिसे सुनकर दिलशान की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इमरान कहता है कि उसके दादाजी बीमार थे तो आ नहीं पाए। उन्होंने फोन पर एड्रेस तो बताया ही होगा। दिलशान को अब डर लग रहा था, तो उसने पूछा कि उसके दादाजी ही तो उसे लेने आए थे, अब वो उन्हीं के तो घर है। तो इमरान का कहना था उसके दादाजी का फोन तो अभी आया था कि तुम्हारा दोस्त अब तक नहीं आया। तभी दिलशान के कंधे पर कोई हाथ रखता है। ये वही व्यक्ति होता है जिसे दिलशान इमरान का दादा समझ रहा होता है। वो दिलशान को लेकर दोबारा घर चला जाता है। दिलशान यही सोच रहा होता है कि अब ये इमरान के दादा दादी नहीं हैं तो कौन हैं। दिलशान के दिमाग में बस यही ख्याल चल रहा था। अब शाम से रात हो गई थी। दिलशान को ये समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे, यहां से वो कहां जाए। वो जानना चाहता था कि क्या उसे कोई गलतफहमी हो गई थी, उसे इमरान से बात करनी होगी,
तभी वो इन सवालों के जवाब ढूंढ सकता है। वो उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि दादाजी इमरान अब तक नहीं आया तो उससे फोन पर बात करनी होगी, लेकिन वो व्यक्ति मना कर देता है। वो कहता है इतने अंधेरे में बाहर जाना सही नहीं। दिलशान फिर सोचने लगता है, उसे कुछ तो करना होगा तभी कुछ हो सकता है। वो कहता है इमरान भी बस स्टैंड पर आ गया होगा, उसे लेने जाना ही होगा। वो व्यक्ति उस औरत की तरफ देखने लगता है। दिलशान वहां बस दोनों को देख ही सकता था। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी बात पर सहमत ना हो। तभी वो औरत ने कहा कि खाना तैयार है, पहले वो खा लो। दिलशान पहले ही डरा हुआ था क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि ये इमरान के दादा दादी हैं भी या नहीं। वो बस इमरान से बात करना चाहता था, तो उसने कहा वो दिलशान से मिलकर ही खाना खाएगा। वो दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं गाड़ी की कीज लेकर आता हूं, तुम कुछ खा लो। दिलशान दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। वो व्यक्ति कमरे के अंदर चला जाता है। वो औरत दिलशान को घूर रही होती है। काफी देर तक कमरे से ढूंढने की आवाज आती रहती है। दिलशान जानता है कि गाड़ी की कीज तो बाहर की होल्डर पर लगी हुई है, तो वो व्यक्ति अंदर क्या ढूंढ रहा है। दिलशान दरवाजा खोलकर बाहर भागने लगता है। वो जानता है कुछ तो गड़बड़ है। वो तेजी से उसी रोड पर भागने लगता है। वो बस अब इमरान से कांटेक्ट करना चाहता है, तो वो भागता चला जाता है। वो अपने हाथ में फोन लेकर आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क आ ही नहीं रहा था। आगे जाकर जब फोन में नेटवर्क आया तो वो इमरान को फोन लगाता है। इमरान उसे बताता है कि वो तो खुद अपने दादाजी के घर पर बैठा है। तो दिलशान उसे सारा किस्सा बता देता है। तब इमरान को सारा मामला समझ आता है। वो कहता है तुम रोड पर रहो, हम वहां पर आते हैं। तब दिलशान वहां पर छिप जाता है। वो जानता है वो व्यक्ति उसे ढूंढने जरूर आएगा। वही गाड़ी बार बार वहां से गुजरती नजर आ रही थी। वो दिलशान को ही ढूंढ रहे थे। काफी देर बाद इमरान दादाजी के साथ वहां पहुंचता है। तब जाकर दिलशान को सुकून मिलता है। उनके साथ जाते वक्त वो उनको सारा किस्सा बता देता है। इमरान भी उससे कहता है कि कल सुबह वो ये मामला पुलिस को बताएंगे। वो तीनों इमरान के साथ उसके दादाजी के घर पहुंचते हैं। तब इमरान के दादाजी बताते हैं कि यहाँ पर कई जादूगर रहते हैं जो लोगों को अगवा कर लेते हैं, हो सकता है वो यही हों। दिलशान भी यही सोचता है कि उन दोनों ने कोई नुकसान भी तो नहीं पहुंचाया, लेकिन वो थोड़े अजीब जरूर थे। उस रात वो यही सोच सोच कर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो इमरान उसके साथ नहीं होता। वो बाहर देखता है तो इमरान के दादा दादी सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं। तब इमरान के दादाजी कहते हैं कि इमरान बाजार गया है थोड़ा सामान लेने। दिलशान भी तब उनके साथ नाश्ता करने लगता है। वो अब घर को देखने लगता है तो उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है जो दीवार पर लगी होती है। ये उसी व्यक्ति और औरत की तस्वीर होती है जो उसे कल रात मिले थे। दिलशान थोड़ा डर जाता है। वो इमरान के दादाजी से कहता है कि यही दोनों थे जो कल रात उसे लेकर गए थे। तब इमरान के दादा दादी एक दूसरे को देखने लगते हैं जैसे वो खुद सोच रहे हों। फिर भी वो कहते हैं ये उसका बड़ा भाई है जो कई साल पहले गुजर गया था, शायद उसे गलती लगी हो। दिलशान को घबराहट सी होने लगती है। वो सोचने लगता है
कि या तो ये सब कुछ छिपा रहे हैं या कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद इमरान के आने पर दिलशान उससे पूछता है, तब वो बताता है कि ये उसके दादाजी का बड़ा भाई था जो कई साल पहले मर चुका है। ये एक तांत्रिक था। इमरान भी यही कहता है कि उसे गलतफहमी हुई होगी। दिलशान बस सोचता रह जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी लेकर वहां से जाने लगते हैं। दिलशान भी सोच रहा होता है कि उसका सामान कल उस व्यक्ति के घर रह गया तो उसे आगे जाकर शॉपिंग करनी होगी। दिलशान गाड़ी में जाकर पहले बैठ जाता है। इमरान घर में ही सामान ढूंढ रहा होता है। तब दिलशान की नज़र गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ती है। पिछली सीट पर उसका सामान पड़ा होता है। वो सोच रहा होता है, ये कैसे हो सकता है। इमरान भी तब गाड़ी में आकर बैठ जाता है। दिलशान हल्की सी आवाज में उससे पूछता है कि उसका सामान गाड़ी में कैसे। तो इमरान के चेहरे पर मुस्कान होती है। उसके शब्द दिलशान को शांत से करा देते हैं। इमरान कहता है कि हम वहीं जा रहे हैं जहां पर तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। दिलशान के मन में कई सवाल उठ रहे होते हैं। वो गाड़ी उसी तरफ जा रही होती है जहां कल उस व्यक्ति का घर था। वही रास्ता, वही सड़क, बस वो घर जला हुआ, जैसे कई सालों से वो घर टूटा हो। लेकिन कल तो ऐसा नहीं था। गाड़ी जैसे जैसे घर की तरफ बढ़ रही थी, दिलशान का मन घबरा सा रहा था। तभी उसे एक कॉल आती है। वो फोन उठाता है तो सामने से इमरान की आवाज आती है। आखिर ये कैसे हो सकता है। फोन पर इमरान थोड़े से शब्द बोलता है और नेटवर्क उड़ जाता है। ये शब्द ही बस दिलशान को डराने के लिए काफी थे। वो शब्द थे कि गाड़ी बाहर खड़ी है, तुम कहां गए। तब दिलशान साइड में देखता है। ये इमरान नहीं बल्कि वही व्यक्ति होता है।